लास्ट बेटा हम 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे चैप्टर 9 के। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। सचिन मेड द फॉलोइंग रन्स इन डिफरेंट मैचेस। रन्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55। फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 17, 19, 22। ठीक है, ये आपको आपके रन्स की क्लास इंटरवल्स हो गए और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज मीन ऑफ द रन्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जो सचिन ने एवरेज रन बनाए वो आपको कैलकुलेट करने हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। दिस इज योर क्वेश्चन। सो बेटा आपने जो रन्स थे आपके वो आपके क्लास इंटरवल हो गए और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, L1 + L2 / 2। देन बेटा आपकी मिड वैल्यूज आ गई आपके पास 10, 20, 30, 40 and 50। कैसे आई, 5 + 15 20, 20 / 2 10, 15 + 25 दिस इज 40, 40 / 2 20। इस तरीके से आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट की। अब आप इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, देन आप सबसे पहले क्या लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। ठीक है, एज्यूम मीन लेने के बाद में आप डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे तब आपके पास डेविएशन आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी मिड वैल्यू हैं उनमें से आपको 30 को लेस करना है बिकॉज दिस इज योर एज्यूम मीन। ओके, देन 10 - 30 ये क्या हो गया, -20, -10, 0, 10 एंड 20। ठीक है, ये आपकी डेविएशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे जिसको आप डिनोट करते हो डी डैश से। ठीक है, कैसे करते हो, डी डिवाइड बाई सी, सी इज कॉमन फैक्टर और क्या हो गया कॉमन फैक्टर इसमें 10, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सी इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब डी को सबको 10 से डिवाइड करेंगे, डी की जो वैल्यूज हैं उनको 10 से डिवाइड करेंगे, तो -20 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया, -2, फिर -1, 0, 1 एंड 2। अब आप क्या करेंगे, जो आपका स्टेप डेविएशन की वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे f से, तो आपके पास आएगा FD-। तो जब 10 को मल्टीप्लाई किया आपने -2 से, दिस इज़ -20, आफ्टर दैट -12, 0, 19 एंड 44। अब आप क्या करेंगे बेटे, आप करेंगे सिग्मा एफ डी डैश एंड सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लीजिए और जो आपका सिग्मा एफ डी डैश है उसका टोटल कर लीजिए, माइनस की वैल्यू देख लीजिए एंड प्लस की वैल्यूज देख लीजिए और उनका आपस का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सिग्मा एफ डी डैश, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उनका आप टोटल करेंगे। सो बेटा हमने देखा हमारी जो जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी उनका टोटल -32 हो गया और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनका 63 हो गया, तो 63 - 32 किया तो हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश आ गया 31 और फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो दिस इज 80। नाउ स्टेप डेविएशन से हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा बेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। आपका जो एज्यूम मीन था दैट इज 30, सिग्मा एफ डी डैश 31 डिवाइड बाई 80 इंटू सी था आपका 10, देन ये हो गया 30 + 31/8। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 30
प्लस ये आपके पास आ गया बेटा 3.875। ओके, जब इसको इसमें ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 33.875। ये आपका आंसर हो गया आपके 11th क्वेश्चन का। ठीक है, ये एवरेज रन बनाए गए सचिन के द्वारा 80 मैचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12th क्वेश्चन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लास दे रखा है लेस देन 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, मोर देन 60। एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 12, 18, 22, 6, 4, 3। ठीक है, तो ये क्या कौन सी सीरीज हो गई आपकी? ओपन एंड सीरीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है। तो आप लोगों को बताया गया था आप जो और क्लास इंटरवल हैं उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 to 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लोअर लिमिट जो है उससे अपर लिमिट 10 डिजिट ज़्यादा बड़ी है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 60 to 70 हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, ये दिस इज़ योर लोअर लिमिट, तो सॉरी अपर लिमिट है ये। तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से 10 लेस कर देंगे, तो ये आपकी क्लास हो जाएगी 0 to 10। इस तरीके से आपने क्या किया, पहले ओपन एंड सीरीज़ को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपके अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। कोई भी आपके पास स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है कि आप उसी मेथड से जो है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा 12th, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमें मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो हमारी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू जो आ जाएगी 0, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। दीज आर आवर मिड वैल्यूज। आफ्टर दैट जो है हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से करते हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन में क्या होता है, कैलकुलेशन लंबी नहीं होती और एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो मेथड चूज करें जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगे। तो आपने यहाँ पे जो है एज्यूम मीन ले लिया 35 को, तो सबसे पहले आपके पास डेविएशन आएंगी एम माइनस ए करके। जब आप मिड वैल्यूज़ में से एज्यूम मीन की वैल्यू को लेस करोगे तो आपके पास डेविएशन आएंगी। तो 5 माइनस 35, तो ये क्या हो गया माइनस 30, फिर हो जाएगा ये माइनस 20, माइनस 10, आफ्टर दैट 0, 10, 20 एंड 30। अब हम क्या करेंगे, डी डैश कर देंगे क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, सेज 10। यहाँ से जो है हम इन सब डिजिट्स को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेप डेविएशन। कैसे आया, जब हमने डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। सो बेटा हमारी जो डेविएशन थी वो माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 10, 20, 30, तो इन सबको हमने 10 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास आएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, एफ डी डैश करेंगे, मतलब जो स्टेप डेविएशन है उनका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये 5 है, डेविएशन कितनी है आपकी, स्टेप डेविएशन माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 15, आफ्टर दैट माइनस 24, माइनस 18, 0, 6, 8 एंड 9। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, फिर प्लस की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, और आप देख पा रहे हैं माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो सिग्मा एफ डी डैश का जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे। सो बेटा हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल 70 आ गया और हमारा सिग्मा एफ डी डैश जो है माइनस 34 आ गया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो हमारी जो एज्यूम मीन की वैल्यू है वो 35 है, माइनस ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि सिग्मा एफ डी डैश माइनस है, तो हमने यहाँ पे लिखा 34 डिवाइड बाई 70 इंटू 10। ओके, तो ये आपके पास आ गया बेटा 7, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गई और आपके पास आ गया 35 माइनस 34 डिवाइड बाई 7। अब आप क्या करेंगे, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब आपने 34 को 7 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 4.85। ठीक है, देन योर आंसर इज 35 माइनस 4.85, आपका बेटा आंसर आ गया 30.15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12th का, ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। 13th क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट इन हिज फाइव सब्जेक्ट्स। फाइव सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट के जो मीन मार्क्स हैं दैट इज 15, इन इंग्लिश ही सिक्योर 8 मार्क्स, इन इकोनॉमिक्स 12, इन मैथमेटिक्स 18, इन कॉमर्स 9, फाइंड आउट द मार्क्स ही स्कोर्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका एक कोई आइटम मिसिंग है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए आपने क्या किया, आपके पास मीन मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स बार आपके पास दिया हुआ है 15, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास 5 हैं। ठीक है, आपने जो आपका इंग्लिश के जो मार्क्स सिक्योर किए गए थे उसको आपने एक्स वन करके 8 लिख दिया। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स में एक्स टू 12, आफ्टर दैट मैथमेटिक्स में 18 मार्क्स थे तो उसको लिख दिया एक्स थ्री इज इक्वल टू 19, कॉमर्स में 9 मार्क्स थे तो एक्स फोर इज इक्वल टू 9, स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स हमें पता नहीं है तो हमने उसको लिख दिया एक्स फाइव। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एन प्लस एक्स फाइव करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई एन करेंगे। तो हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है दैट इज 15, आफ्टर दैट इन जो वैल्यूज गिवन है इन सबका टोटल कर लेंगे, मिसिंग वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स वन की जगह पे हमने लिख दिया 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 9 एंड प्लस कर दिया हमने एक्स फाइव। ठीक है, एंड डिवाइड बाई हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा ये हमारे पास आ गया 75 और इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो बेटा इनका हमारा टोटल किया हमने 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 9, ये हमारे पास आ गया 47 प्लस एक्स फाइव। ठीक है, अब एक्स फाइव कैसे निकालेंगे, देखो एक्स फाइव कैसे, ये इधर चला जाएगा 75 माइनस 47। तो 75 माइनस आपने 47 किया तो आपके पास ये आ गया 28। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में मार्क्स सिक्योर किए। ठीक है, इस तरीके से आपने मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट हमारा 14th क्वेश्चन है। देखिए 14th क्वेश्चन में बेटे आपके पास दिया हुआ है मीन वैल्यू ऑफ वीकली इनकम ऑफ 40 फैमिलीज इज 265।
बट इन द कैलकुलेशन इनकम ऑफ वन फैमिली वॉज रीड एज 150 इंस्टीड ऑफ 115. फाइंड द करेक्ट मीन. आपकी जो वन ऑब्जर्वेशन थी वो आपने रॉन्ग ले ली, दिस इज इनकरेक्ट, जबकि लेनी थी 115. ठीक है, तो आपको करेक्टेड मीन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले जो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है आपने उनको लिख लिया, दैट 40 फैमिलीज थी, मीन्स एन कितना था 40. आफ्टर दैट एवरेज वैल्यू दी हुई है वीकली इनकम की, दैट इज़ 265. करेक्ट वैल्यू जो थी वो थी 115 एंड इनकरेक्ट वैल्यू थी 150. अब आप कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड मीन को. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने मीन कैलकुलेट किया कैसे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन करके. ठीक है, मीन इज 265 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन इज 40. ओके, तो आप इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास सिग्मा एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ गया रोंग. ठीक है, कितना 265 into 40, तो ये बेटा आपके पास आ गया 10,600. ठीक है, ये आपके पास रोंग आ गया आइटम्स का टोटल. अब आप क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको लेस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो आप सिग्मा एक्स जो है वो आप करेक्ट फाइंड आउट करेंगे कैसे, जो रॉन्ग है आपका, दिस इज योर रॉन्ग वैल्यू, ये वैल्यू लेके आप जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे. करेक्ट वैल्यू इज 115 एंड इनकरेक्ट वैल्यू को आप लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया बेटा 10,565. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपना करेक्टेड मीन निकालेंगे. तो आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, ये करेक्ट वाला लेंगे यहाँ पे ना, ये जो करेक्ट वैल्यू आई है ना इसको आप लेंगे यहाँ पे. तो ये कितना हो गया आपका 10,565 डिवाइड बाई 40. नंबर ऑफ फैमिली तो 40 है. ठीक है, तो आप इस वैल्यू को 40 से डिवाइड करेंगे, देन योर करेक्ट मीन इज 264.125. ठीक है, ये जो है बेटा आपका करेक्टेड मीन आएगा, क्योंकि आपका मीन कितना था 265 था, इसकी बजाय आपका मीन क्या आएगा 264.125 आएगा. ये आपका 14th क्वेश्चन था. आफ्टर दैट बेटा 15th क्वेश्चन देखो, एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 45. ठीक है, क्या दे दिया, 6 स्टूडेंट्स थे, इट मीन्स एन कितना था 6 था, और जो आपका पॉकेट अलाउंस दे रखा है 6 स्टूडेंट्स का दैट इज 45. ठीक है, तो मीन था आपका 45. ऑफ दिस पॉकेट अलाउंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20, 30, 22, 24 and 32 रिस्पेक्टिवली. What is the pocket allowances of 6th student? आपके पास 5 स्टूडेंट्स के पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं, 6th स्टूडेंट को आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, जो आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है पहले आप उसको लिखेंगे. आपके पास मीन दे रखा है 45, 6 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 6 हो गए. अब आपके पास 5 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं, तो आपने कहा x1 20, x2 30, x3 22, x4 24, x5 32 एंड x6 आपके पास है नहीं. तो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे, आप मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं क्या करके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम n. ओके, तो जो वैल्यूज गिवन है उनको आप पुट कर लीजिए. तो दिस इज 45, आफ्टर दैट x1 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 32 और x6 आपके पास है नहीं, उसको एज इट इज़ ले लेंगे एंड n हो गया आपका 6. ओके, तो ये जो है बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन सब वैल्यूज़ का आप टोटल कर लेंगे. सो बेटा आपने 45 into 6 किया तो ये हो गया 270,
और 20 + 30 + 22, 24 and 32 इन सबको ऐड किया तो 128 आ गया प्लस x6। अब x6 जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, 270 ये वैल्यू उधर लेके चले गए तो क्या हो गया -28। तो बेटा आपके पास जो आपका सिक्स स्टूडेंट था उसकी पॉकेट अलाउंस आ गई आपके पास 142 रुपीज़ आ गई। ठीक है, ये था आपका 15th क्वेश्चन। अब देखेंगे 16th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शोज वेजेस ऑफ द वर्कर्स, कैलकुलेट एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर। वेजेस दे रखी है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। आफ्टर दैट नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 8, 9, 12, 11, 6। ठीक है, तो आपके पास ये वाली सीरीज कौन सी है, दिस इज़ योर इंक्लूसिव सीरीज। तो ये जरूरी भी नहीं है, बहुत कंपलसरी भी नहीं है कि आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट ही करना है, क्योंकि जब आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो मिड वैल्यू आएगी अगर आप कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मिड वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको सीरीज़ को कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट आप मिड वैल्यू फाइंड कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास ना तो कोई स्पेसिफिक मेथड को कह रखा है कि इस मेथड से आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, तो आप किसी भी मेथड से जो है अपना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट अपनी मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब चाहे तो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, 34.5 को अज्यूम मीन ले लेंगे, आफ्टर दैट डी निकालेंगे डेविएशन, आफ्टर दैट स्टेप डेविएशन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास डी डैश आ जाएगा, फिर आप एफ डी डैश कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, एफ एम कर देंगे, आफ्टर दैट सिग्मा एफ एम करेंगे एंड सिग्मा एफ करेंगे, तो इन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्टली। ठीक है, सो बेटा आपने एफ एम किया, मिड वैल्यू जो है उनको फ्रिक्वेंसी से डिवाइड किया, आफ्टर दैट उन वैल्यूज़ का टोटल किया तो आपके पास आ गया 1567। फ्रिक्वेंसी का टोटल किया तो ये आ गया आपके पास 46। सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो आपके पास जो है मीन की वैल्यू आ गई 34.07। अब बेटा 17th क्वेश्चन में दे रखा है, 10 प्लेयर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम मेड एन एवरेज ऑफ 63 रन्स एंड 10 प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम मेड एन एवरेज ऑफ 77 रन्स, कैलकुलेट द एवरेज रन मेड बाय बोथ द टीम। ठीक है, आपके पास जो है एन दिया हुआ है N1, आफ्टर दैट X bar 1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है एंड X bar 2 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है, क्योंकि आपको दोनों टीम का एवरेज निकालना है, दैट इज कलेक्टिव एवरेज रन और वी कैन से कंबाइंड एवरेज रन ऑफ बोथ टीम। सो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, फर्स्ट जो टीम थी उसमें 10 प्लेयर्स थे, उन्होंने एवरेज रन बनाए थे आपके पास 63। सेकेंड टीम जो थी उसके नंबर ऑफ प्लेयर थे 10 और उनके एवरेज रन थे 77। अब आपको क्या करना है, दोनों टीम का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, कंबाइंड मीन। फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, कंबाइंड मीन को आप रिप्रेजेंट करते हैं X bar 1, 2 इज इक्वल टू फर्स्ट जो आपका टीम थी उसका मीन इंटू N1 प्लस सेकेंड टीम का मीन इंटू N2 डिवाइड बाई N1 + N2। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट मीन था आपका 63 इंटू 10 प्लस 77 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 + 10। ओके, तो ये बेटे आपके पास हो गया 630 प्लस 770 डिवाइड बाई 20। अब आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल बेटा आपके पास आ गया 1400 डिवाइड बाई 20, तो ये जो है आपके पास आ गया 70। ठीक है, तो दोनों टीम ने जो एवरेज मार्क्स बनाए थे दैट इज 70 रन्स।
ठीक है। आफ्टर दैट बेटा 18 क्वेश्चन है हमारा। 18 क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज इनकम ऑफ 50 फैमिलीज इज 3000। जो 50 फैमिली है उनकी एवरेज इनकम है 3000। आउट ऑफ दिस एवरेज इनकम ऑफ 12 फैमिलीज इज 1800। 50 फैमिलीज हैं उनमें से 12 फैमिली जो हैं उनकी एवरेज इनकम बता रखी है 1800। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज। आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग फैमिलीज रह गई उनकी आपको एवरेज इनकम बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इट्स योर लास्ट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टोटल 23 क्वेश्चन है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए बेटा, आपके पास टोटल जो फैमिली थी दैट आज 50, इट मीन्स एन जो है वो कितना है आपके पास 50। उसमें से आपको ये कह रखा है कि 12 फैमिलीज की एवरेज इनकम बता रखी है, इट मीन्स एन वन कितना हो गया 12, एंड जो 12 फैमिलीज की जो एवरेज इनकम होगी उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार वन, दैट इज 1800। और जो कंबाइंड मीन है 50 फैमिलीज की एवरेज इनकम कितनी बता रखी है 3000, इट मीन्स एक्स बार 1.2 इज इक्वल टू 3000। अब आपको रिमेनिंग फैमिलीज की एवरेज इनकम बतानी है, तो 50 में से 12 की दे रखी है तो कितनी बच गई 38 फैमिलीज की आपको एवरेज इनकम बतानी है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे इज इक्वल टू एक्स बार 1 इंटू एन वन प्लस एक्स बार 2 इंटू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। ओके, तो आपके पास कंबाइंड मीन जो है दैट इज 3000 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 12 प्लस करेंगे बेटा आप एक्स बार 2, आपके पास है नहीं तो आपने किया 38 एक्स बार 2, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा आप, है ना। और जो आपके पास n1 प्लस n2 है वो कितना है 50 है। ठीक है, तो आपने क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 150,000 हो गई। और इन वैल्यूज़ का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो बेटे ये आपके पास आ गया 21,600 प्लस हो गया 38 x बार 2, तो ये वैल्यू बेटा इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो आपने कहा 150,000 माइनस करेंगे 21,600 इज इक्वल टू 38 x बार 2। ठीक है, तो आपने इस वैल्यू में से इसको लेस किया तो बेटा ये आपके पास आ गया 128,400 इज इक्वल टू 38 x बार 2। ठीक है, तो x बार 2 निकालेंगे कैसे, ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी तो 128,400 डिवाइड बाई 38, देन दिस विल बी, ये बेटा आपके पास आ जाएगी 3,378.95 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये 38 फैमिलीज थी ना उनकी एवरेज इनकम कितनी आ गई आपके पास 3,378.95 रुपीज़। ठीक है, तो आपने बेटा आज जो है 1 to 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन सब न्यूमेरिकल्स को अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।